नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। अभी हम मौजूद हैं महिला किसान दिवस, आपको पता है आज मनाया जा रहा है, क्रांतिमान पार्क में अभी हम मौजूद हैं। पीछे भीड़ आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ है, महिलाएं जो हैं कम नहीं है पुरुषों से। महिला किसान दिवस आज मनाया जा रहा है, 18 तारीख का जैसा ऐलान हुआ था, तो पीछे भीड़ आप देख पा रहे हैं कि कितनी जबरदस्त भीड़ है। आसपास की महिला किसान हैं और भी जो महिला समाज सेवी है वो सब जुड़ी हुई हैं। और इसी बीच हमारे को देवा गांव से एक मेंबर है ग्राम पंचायत की, अनीता देवा, वो मिली हैं, तो इन्होंने हमें जो बताया तो हम आपको सुनवाते हैं कि उनसे क्या बातचीत करनी है हमें। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज या कल में आपके साथ क्या हुआ? सर, मैं अनीता देवा, आज सुबह ही मेरे घर में, सुबह मेरे गांव के, मेरे बाढ़ के किसान भाई सैकड़ों इकट्ठे होके आए। उन्होंने मेरे पिताजी से अनुरोध किया कि आज चौधरी किताब सिंह देवा से, तो कहने लगे कि आप इस पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो पापा जी ने, वैसे ही मेरे पिताजी ने कहा कि इसका नेतृत्व तो जो मान सिंह और कालू छीलर कर रहे हैं, पदाधिकारी है इनके, तो हम उनके समर्थन में ये, उनके अनुरोध से ये इस्तीफा दे रहे हैं। जी जी। तो आपकी, अगर मैं खुद की मंशा जानना चाहूँ तो आपकी क्या मंशा है किसान आंदोलन को? मैं खुद एक समर्थन हूँ, क्योंकि मैं एक किसान बेटी हूँ, तो मैं खुद ही इसका समर्थन करती हूँ और मैं त्याग पत्र देने के लिए तह दिल से इनके तैयार हूँ। जी, तो आज महिला किसान दिवस के मौके पर देवा गांव से, जैसा इन्होंने बताया, तो अनीता देवा हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बताया कि आज सुबह जो है काफी किसान इनके पास आए, क्योंकि आप, हम सब जानते हैं कि ये इस्तीफों का दौर चल रहा है, विधायक है उनसे भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। जोगीराम सिहाग जो बरवाला के विधायक है, उनके पास भी किसान नेता गए थे, किसानों का एक जत्था गया था, उनसे भी इस्तीफे की मांग की गई थी। तो वैसे ही इनके पास भी आए, देवा गांव की ये ग्राम पंचायत की मेंबर है, इनके पास भी आए। तो ये इन्होंने आज जो है, आज महिला किसान दिवस के मौके पर ये अपना इस्तीफा लिख करके दे रही हैं। और इनके, आप इनके हस्बैंड, इनके हस्बैंड यहाँ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी, मैं सुनील देवा, वार्ड नंबर 4 पंच प्रतिनिधि। जैसा मैडम ने बताया कि सुबह सैकड़ों की तादाद में कालू छिल्लर और मानसिंह के नेतृत्व में ग्रामीण हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि आपने सदैव किसानों के हित में काम किए हैं, आज हमें आपकी जरूरत है, आपके इस्तीफे की जरूरत है। और मेरे पिता चौधरी किताब सिंह देवा ने कहा कि हमें किसानों ने इस पद पर बैठा है और ये किसानों का पद है, हमने वापिस देने का फैसला कर लिया है। और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जैसा हमारे ग्रामीणों की इच्छा थी, क्योंकि सैकड़ों हजारों ग्रामीण अगर इकट्ठे होते हैं, देखिएगा सरकार के मंत्री एमएलए के घर घेरे जा रहे हैं, हमारा तो एक छोटा सा घर है और साहब सरकार के पास पुख्ता प्रबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि किसानों की बातें मानी जाएं, किसान अपने हक के लिए खड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से और पूरी भाजपा से विनती अनुरोध करता हूं कि किसानों की मांगों को मान के उनकी घर वापसी का रास्ता तय किया जाए, क्योंकि इतनी ठंड के अंदर मेरे को सुनने में आया है कि 60-70 किसानों की जाने चली गई है। सबसे पहले उन शहीद किसानों को तय दिल से जेडी परिवार की तरफ से नमन करता हूं और मेरा जेडी परिवार हमेशा ही समाज हित के लिए तत्पर रहा है और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद।